चालू कर दे क्या? चलिए, आप जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। हमने देखा है कि आज के दिन आरपीएल सीजन हमें मिला है अल्मीर स्टार्स और रनर अप जो टीम रही है एफए वॉरियर्स। ये टीम हमने देखी है कि रनर अप रह चुकी है, लेकिन आरपीएल सीजन फोर की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसके लिए एक बार जोरदार डालिया हो की वजह से आज ये दो दिन का जो क्रिकेट की जो मैचेस है उनके वजह से आज पूरी होती हुई हम देख रहे हैं। हेलो 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 चेक। मैं जो इस प्रतियोगिता में जो आठ टीम जिन्होंने भाग ली थी उन सभी ओनर्स को मैं अपने मंच पे आने की दरखास्त करूंगा। हमारे जो आठ टीम है मैं जिनका नाम लूंगा, वो आठ टीम के जो ओनर्स है उन्हें आपको जो मंच है उसके ऊपर आना है। रिजवान मुल्ला स्टार्स के जो ओनर्स है कृपया आप मंच पे आइए। रिजवान मुल्ला स्टार्स के ओनर आप कहाँ पर भी हो व्यासपीठ पर आने की कृपा कीजिए। एफए वॉरियर्स ओनर टीम ओनर एफए वॉरियर्स के टीम ओनर आप भी अयाज भाई अयाज शेख अयाज सैयद रिजवान मुल्ला स्टार्स के जो ओनर है उनका यहाँ पे मान सम्मान करेंगे और उनको एक शाल और एक मोमेंटो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रदान किया जा रहा है। अगले ओनर्स के एफए वॉरियर्स के जो टीम ओनर कृपया आप भी जो स्टेज है उसके ऊपर आने की कृपा कीजिए। एफए वॉरियर्स के टीम के ओनर नदीम कुरेशी सर इनका हम यहाँ पे सम्मान करेंगे। मैं नद्दो जी सर के माध्यम से हम मान सम्मान करेंगे। एफए वॉरियर्स के जो टीम ओनर है उनका एक बार जोरदार आया हो जाए। एफए वॉरियर्स के इस प्रतियोगिता के रनर अप टीम रही है एफए वॉरियर्स टीम, बहुत बढ़िया खेल उनके माध्यम से हमने देखा है। अगले जो टीम ओनर है एनएम मोमेंटो उनको दे रहे इस प्रतियोगिता की एक पहचान के लिए। अगली जो टीम है अल्मीर स्टार्स दिस ईयर की दिस सीजन की चैंपियन टीम अल्मीर स्टार्स के संघ मालक आप कहाँ पर हो? मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजा भाई इनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि अल्मीर स्टार्स के जो ओनर है टीम ओनर जावेद भाई इनका हम यहाँ पे फेडरेशन करेंगे। दिस साल की चैंपियन टीम रही है स्टार एक बार जोरदार डालिया हो जाए अल्मीर स्टार्स के जावेद भाई इनके लिए। अगली टीम कुरेशी स्टार्स के टीम ओनर कृपया आप भी मंच पे आने की कृपा कीजिए। मैं अयाज सैयद मैं इनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि कुरेशी स्टार्स के जो टीम ओनर है असाद कुरेशी और कुरेशी स्टार्स के जो टीम ओनर है उनका हम यहाँ पे फेडरेशन करेंगे। अगली टीम एडी ब्लास्टर्स टीम आइए आप देखिए हमारे लिए बहुत खास है खूब बढ़िया खेल एडी ब्लास्टर्स के टीम के माध्यम से रहा है। जावेद शेख इनके माध्यम से हम एडी ब्लास्टर्स के जो संघ मालक है मोहम्मद अली और रिहान कुरेशी इन्होंने बहुत बढ़िया फलंदाज बैटिंग की है इस प्रतियोगिता में और उनका हम यहाँ पर
फेडरेशन करेंगे, आरटी टीम के जो टीम ओनर है उनको एक बार शुक्रिया करूंगा ये जो आयोजक टीम है उनकी तरफ से। और इसी बीच अगली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के हम जाएंगे, जिन्होंने दो दिन बहुत बढ़िया जो YouTube लाइव का प्रदर्शन किया है, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को घर में बैठे जो हमारे प्रेक्षक थे उनके तक पहुंचाया है, NST लाइव की जो टीम है मैं उनको दरखास्त करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सलीम भाई इनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आइए और NST लाइव की पूरी टीम को आप चलो आइए, NST लाइव की पूरी टीम ऑपरेट रहेंगे, YouTube लाइव जो कैमरामैन है और स्कोरर पूरी NST लाइव की सलीम भाई की तरफ से हम यहाँ पे फेडरेशन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, बहुत काम उनके माध्यम से रहा है NST लाइव की टीम क्या। चलो आइए पूरी टीम। अमर सकपाल साहब जो हमारे कमेंटेटर है उनकी भी हम शॉल पिना के वो करेंगे, तो बिलाल घावटे साहब को मैं बोलूंगा प्लीज आप आइए और थोड़ा सा उनको सम्मान दीजिए प्लीज। बिलाल घावटे साहब ये फाइनल का मैन ऑफ द मैच भी बचा हुआ है, तो फाइनल का मैन ऑफ द मैच जो है अजहर मुकादम, फाइनल का मैन ऑफ द मैच, तो अजहर मुकादम प्लीज आप आइए। और मैं हमीद शेख भाई से मैं बोलूँ गुजारिश है कि आप प्लीज मैन ऑफ द मैच अजहर मुकादम को, हमीद को। अच्छे गेंदबाज बैटिंग हमने देखी थी अजहर मुकादम की, बल्लेबाजी और क्या कैच पकड़े अच्छे, और अच्छे कैप्टन भी रहे टीम के, लीड कर रहे थे लीडर फ्रंट ऑफ द टीम, और उसी बदौलत आज अलीम स्टार देख रहे हैं हम लोग चैंपियन बनी है। और अगली जो ट्रॉफी है वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट देख रहे हैं कि कौन है। कोई जानता है कि बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा RPL सीजन 4 का बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट है FA वॉरियर्स टीम के अक्रम, जिन्होंने सेकेंड विकेट हैट्रिक ली थी वो अक्रम ठहरे कि प्लेयर बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अनिल शिंदे सर जी को कि आप अक्रम को जो ट्रॉफी है वो ट्रॉफी आप फेडरेशन करें, बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी। और कमेटी की तरफ से हम देख रहे हैं शूज, पुमा के शूज में एक बार जोरदार डाला हो जाए अक्रम के लिए और पूरी टीम के लिए, RPL की जो कमेटी टीम है उनके लिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी अक्रम की तरफ से हमने देखी है। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट RPL सीजन 4 के अक्रम हम देख रहे हैं। अगली ट्रॉफी बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन कोई जानता है कि कोई रहेगा, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय श्री अल्ताफ दलवी सर जी को कि आप कृपया व्यासपीठ पे आने की कृपा कीजिए। अल्ताफ दलवी सर बेस्ट बैट्समैन कोई जानेगा, कोई बताएगा कि बेस्ट बैट्समैन नहीं, वो टीम एक्चुअली हमने देखी कि क्वालिफायर राउंड में हार चुकी थी लेकिन उनके बल्लेबाज फलंदाजी करी थी, बैटिंग की थी, जिन्होंने अर्धशतक देखिए लगाया था वो रेहान कुरैशी थर्रे एडी ब्लास्टर्स टीम के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट श्री अल्ताफ दलवी से हम ये ट्रॉफी और बैट जीजा मैच टाइम
जीजा मैच टाइम की माध्यम से बैट हम यहाँ पे रिहान कुरेशी इनको हम लोग दे रहे हैं। और इस साल की हमें मालूम है मैन ऑफ द सीरीज के लिए सबके धड़के रहे थे, लेकिन वो पारितोषिक जो है हम बाद में देंगे। लेकिन आरपीएल सीजन 4 की जो रनर अप टीम रही है एफए वॉरियर्स टीम, कृपया आप पूरी टीम स्टेज पे आने की कृपया दरखास्त है आपको, आप पूरी टीम लेके आप मंच पे आने की कृपा कीजिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सेकेंड प्राइज देने के लिए माननीय श्री अमित शेख सर जी को कि आप सेकेंड प्राइस की जो ट्रॉफी है रनर अप टीम को आप देने की कृपा। एफए वॉरियर्स टीम दिस सीजन की रनर अप टीम हम देख रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन एफए वॉरियर्स टीम का रहा और फाइनल के मैच में हमने देखा कि थोड़ी सी बैटिंग खराब होने के कारण थोड़ी सी बैकफुट पे रही टीम, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल नए अंदाज में नए जोश से एक बार फिर से हम यही टीम को देखेंगे। सेकेंड प्राइज माननीय श्री हमीद शेख सर जी के माध्यम से हमें रनर अप की ट्रॉफी दे रहे हैं। एफए वॉरियर्स टीम के लिए एक बार जोरदार टाया हो जाए, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। और 30,000 कैश प्राइज और ये चमचमाती ट्रॉफी हम एफए वॉरियर्स के टीम के ओनर और पूरे टीम को दे रहे हैं। 30,000 कैश प्राइज, बहुत ही बढ़िया आयोजन और नियोजन आपने देखा है दो दिन में आरपीएल सीजन 4 की ये पूरी टीम कमेटी मेंबर्स और जल्लोष होता हुआ यहाँ पे मंच पे हम देख रहे हैं। वेल प्लेड टीम, बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगला पारितोषिक मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जिन्होंने तीनों क्षेत्रों बहुत ही बढ़िया किया है, वैसा खिलाड़ी कौन लगता है कि वो खिलाड़ी कौन होगा जिन्होंने बैट हेलो और फील्डिंग के जिन्होंने प्रेक्षकों का मन जीता उनका वो प्लेयर का नाम है वन एंड ओनली आजर मुकादम एएल सलीम मकलानी और समन नाना। मैं दोनों कहना चाहूंगा कि आप जो मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी है वो आजर मुकादम इसको आप देने की कृपा कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है अजर मुकादम का, क्या क्षेत्र रक्षण किया है। मुझे बल्लेबाजी पसंद नहीं है लेकिन जो फील्डिंग की वो फील्डिंग देखने और बोलने में लाजवाब है। वेल फील्ड बैटिंग हम हर रोज देखते हैं अजर मुकादम की, लेकिन आज के ऑन फील्ड क्या फील्डिंग की है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। और कैश प्राइज हम देख रहे हैं ट्रॉफी और 5000 कैश प्राइज हम देख रहे हैं मैन ऑफ द सीरीज के अजर मुकादम। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी शुभकामनाएं रहेगा। और आरपीएल सीजन चैंपियन टीम अलमीर स्टार्स टीम को मैं दरखास्त करूंगा और माननीय श्री रिजवान मुल्ला जी को मैं आमंत्रित चाहूंगा कि ही चमचमाती ट्रॉफी आप अलमीर स्टार्स को देने की कृपा कीजिए। रिजवान मुल्ला सर जी, दो दिन हम देख रहे हैं कि पूरे मंच पे पूरे टीम को एक जोश के साथ खेलने की यहाँ पर पूरी टीम रिजवान मुल्ला सर बहुत ही बढ़िया उनका आयोजन और नियोजन रहा है ये पूरे प्रतियोगिता में। उनकी तरफ से ये फर्स्ट प्राइज हम दे रहे हैं आरपीएल सीजन 4 के विनिंग चैंपियन अलमीर स्टार्स टीम, एक बार जोरदार डाला हो जाए पूरे टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अलमीर स्टार का रहा है आज के पूरे दिन में और ही चमचमाती ट्रॉफी आपने नाम की है सीजन 4 की अलमीर स्टार्स टीम ने।
वेल पेड टीम और कैश प्राइज है टोटल 50,000 के कैश प्राइज आप देख रहे हैं विनिंग टीम को और ही चमचमा डे ट्रॉफी हम यहाँ पर दे रहे हैं। अगर गलती से किसी का नाम यहाँ पे छूटा हो तो कृपया मैं माफ कीजिए और इस प्रतियोगिता यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगले साल उसी अंदाज में थोड़ा सा रुकिए दोस्तों थोड़ा और प्राइज हमारा बाकी है। और इस प्रतियोगिता में जो अंडर 17 के जो सभी जो खिलाड़ी थे ऑक्शन के माध्यम से जो टीम में सिलेक्ट हुए थे उनका हम जो ट्रॉफीज है वो उनको हम देंगे। अंडर 17 की जो टीम के प्लेयर यहाँ पे जो आरपीएल सीजन में मतलब इमर्जिंग प्लेयर के माध्यम से जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया है वो सभी का यहाँ पर हम लोग ट्रॉफीज दे के उनका सम्मान करेंगे। आने वाले भविष्य में यही जो प्लेयर्स है वो हमें अपकमिंग स्टार्स के माध्यम से देखेंगे और इस आरपीएल की शोभा बढ़ाएंगे उनका हम लोग यहाँ पे और रिजवान मुल्ला स्टार्स की है टीम में हमने देखे हैं कि तीन खिलाड़ी ऐसे थे जो अंडर 17 के माध्यम से खेल रहे थे। मैं रियान इनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि रियान आप कृपया मंच पे आने की कृपा कीजिए और इरशद खान और हसन कुरैशी ये तीनों खिलाड़ी है कृपया आप मंच पे आने की कृपा कीजिए। ये अपकमिंग स्टार है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हम इन्हें देख रहे हैं आरपीएल में भविष्य इन्हीं के माध्यम से हम देखेंगे ट्रॉफीज उनको हम लोग उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग उनको ये जो ट्रॉफी है वो आयोजक टीम के माध्यम से हम उनको दे रहे और का भी आप दिया है आप उन तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। उसकी बात A1 जोड़ी में जो एक प्लेयर थे वो आए अंडर 17 के रियान खान अंडर 17 के प्लेयर A1 जोड़ी के अंदर आप मंच पे आने की कृपा कीजिए। मैं अल्ताफ दलवी सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप रियान खान को ये जो ट्रॉफी है इमर्जिंग ट्रॉफी प्लेयर की ट्रॉफी आप उन्हें देने की कृपा कीजिए। इसी दरमियान अगले एफए के टीम में तब हमने देखे हैं दो खिलाड़ी ऐसे थे जो अंडर 17 में खेल रहे थे साहिल और अफरीदी एफए वॉरियर्स का टीम की रनर अप टीम के जो टू प्लेयर्स है साहिल और अफरीदी कृपया आप भी मंच पे आने की कृपा कीजिए। चलो फास्ट आइए हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रदर्शन अंडर 17 के इन खिलाड़ियों का जज्बा बढ़ाने के लिए ये ट्रॉफी हम उन्हें आयोजक टीम के माध्यम से यहाँ पे देने की और रनर फाइनलिस्ट टीम जिन्हें जो चैंपियन ठहरी थी अलमीर स्टार्स उनमें देखिए तीन खिलाड़ी ऐसे थे जो अंडर 17 में खेल रहे थे शाफिक और शफीर अरसलान और इरशद ये तीन जो खिलाड़ी है अलमीर स्टार के आप भी मंच पे आने की कृपा कीजिए। शाफिर अरसलान और इरशद तीनों जो टीम के खिलाड़ी है वो कृपया आप स्टेज पे आने की कृपा कीजिए। शफीर इनका यहाँ पे हम होस्ट करने के लिए ये जो ट्रॉफी है वो दे रहे अगर अरसलान और इरशद दोनों
नेक्स्ट टीम, नेक्स्ट टीम के 17 अंडर 17 के प्लेयर, पूरी टीम, अल्ताफ जी सर जी के पूरी टीम में दरखास्त करूंगा कि आप कृपया व्यासपीठ पे आने की कृपा कीजिए। पूरी अंडर 17 की टीम थी और क्या बढ़िया प्रदर्शन रहा है ये पूरी टीम का, छोटे छोटे बच्चों को लेके एक अच्छा तजुबा बढ़ाया गया है। और थोड़ी सी इस प्रतियोगिता से थोड़ी हारे जरूर, लेकिन पूरे टीम ने सबके मन और दिल को जीता है, वही पूरी टीम का यहाँ पे हम स्वागत करेंगे। अंडर 17 के पूरी टीम थी, हमने देखा है पूरी टीम ओपन एज में खेल रही थी, सभी टीम देखेंगे तो एज वाली टीम थी, उनमें बहुत बड़ा प्रदर्शन रहा है एडी ब्लास्टर्स इस टीम का। अच्छा प्रदर्शन पूरी टीम के लिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। और इसी बीच इस प्रतियोगिता की जो आयोजक टीम है उनके माध्यम से हम दोनों शब्द उनसे जुबा से हम बयां करेंगे। सो शुक्रिया सब प्लेयर लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और आरपीएल सीजन 4 जो था अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा, तो मैं तमाम प्लेयर लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली रिजवान मुल्ला साहब जिन्होंने काफ़ी हम मदद किया इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए। हमीदुल्ला साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे हर दिल अजीज़ नजीम मुल्ला साहब जो हमेशा राबुड़ी के लिए खड़े होते हैं, हर बच्चों के लिए खड़े होते हैं, हर बच्चों के क्रिकेट के लिए, हर एक चीज़ के लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया नजीम मुल्ला साहब का भी, रिजवान मुल्ला साहब, हमीद साहब, समन नाना, सलीम मकरानी साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कमेटी मेंबर में जो जितने लोग भी पार्टिसिपेट किए, जिन्होंने इस इवेंट को इधर तक पहुँचाया है, तो माजिद चौहान, जहांगीर शेख, अयाज सैयद और बाकी हमारे जितने भी मुजीब सैयद, जितने लोग थे उन्होंने काफ़ी मेहनत किया कमेटी की जानिब से। स्पेशली अल्ताफ साहब का दो दिन बड़ा उतार चढ़ाव का रहा, अल्ताफ दलवी आखिरकार उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो अल्ताफ दलवी साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी कुछ दो दिन में बहुत हेल्प किया। तो सीज़न 4 रहा ये, इंशाल्लाह सीज़न 5 भी हम कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा करेंगे और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे करने की कोशिश करेंगे। और जितने एमर्जिंग प्लेयर, जितने छोटे प्लेयर थे जो अंडर 17 थे, जो जिन्होंने काफ़ी अच्छा खेल खेला है, तो उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और विश ऑल दी बेस्ट। और कमेटी की जानिब से तमाम प्लेयर, तमाम ओनर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस ओनर ने हम पे भरोसा जताया, अपनी टीम के लिए जो भी एफर्ट डाले, तो तमाम ओनर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। और हमारे कमेटी मेंबर रजी मंसूरी साहब ने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी अच्छा थॉट है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। इसी बीच ये प्रतियोगिता प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहूंगा, अगली साल नई उम्मीद में, नए जोश में हम फिर से इसी मैदान पे मिलेंगे, तब तक के लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा और यहाँ पे रुक रहा हूँ और आपकी रजा लेता हूँ। अगर किसी का गलती से नाम रह गया होगा तो हम माफी चाहते हैं और यहाँ रुक रहा हूँ। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट, थैंक यू।